हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लासिफाई। आज की इस कंपनी कंपैरिजन स्पेशल वीडियो में हम दो बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजोन का कंपैरिजन करने वाले हैं। यह दोनों ही ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। इन दोनों ही वेबसाइट्स पे कपड़ों से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसी हमारी जरूरत की हर एक चीज मौजूद है। अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में सचिन बंसल और बिनी बंसल इन दो इंजीनियर्स ने मिलकर की थी। आपको बता दें, इन दोनों ने अपनी पढ़ाई IIT दिल्ली से की थी और कॉलेज के बाद कुछ सालों के लिए वो अमेजोन के लिए काम कर रहे थे। जब सितंबर 2007 में Flipkart.com की शुरुआत हुई थी, तब इस वेबसाइट पे केवल ऑनलाइन बुक सेलिंग पे फोकस किया जा रहा था। लेकिन आज 2019 में यह कंपनी अमेजोन जैसी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट को इंडिया में कॉम्पिटिशन दे रही है। वही दूसरी तरफ अमेजोन की शुरुआत फ्लिपकार्ट के 13 साल पहले 1994 में जेफ बेजोस ने अमेरिका के सिएटल सिटी में की थी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जेफ बेजोस ने अपने कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गैरेज में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करके की थी। और आज 2019 में अमेजोन एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि दुनिया के 17 देशों में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है। अमेजोन कंपनी इंडिया में फ्लिपकार्ट के 5 साल बाद जून 2013 में लॉन्च की गई थी। फ्लिपकार्ट एक प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स कर्नाटक राज्य के बैंगलोर सिटी में स्थित है। वही अमेजोन एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स अमेरिका के सिएटल सिटी में स्थित है। अमेजोन इंडिया का हेडक्वार्टर्स तेलंगाना राज्य के हैदराबाद सिटी में स्थित है, जो कि अमेजोन की दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। अगर सब्सिडियरीज कंपनीज की बात करें तो फ्लिपकार्ट के पास मिंत्रा, jabong.com, फोन पे, ई कार्ट, जीव्स और टू गुड जैसी सहायक कंपनियां हैं। वही अमेजोन के पास अमेजोन लॉजिस्टिक, अमेजोन एयर, IMDB, अमेजोन वेब सर्विसेज, अमेजोन गेम स्टूडियो, अमेजोन बुक्स जैसी 25 से भी ज्यादा सहायक कंपनियां हैं। आपको बता दें, मिंत्रा और जबोंग को खरीदने के बाद फ्लिपकार्ट फैशन इंडस्ट्री में काफी आगे चला गया है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल के मामले में अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही लगभग बराबरी पर है। अगर ग्रोसरी की बात करें तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से बहुत ज्यादा आगे चला गया है, लेकिन इंडिया में ग्रोसरी के मार्केट में बिग बास्केट और ग्रोफर सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। दोस्तों, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार फ्लिपकार्ट के पास सेल करने के लिए कुल मिला के 15 मिलियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। वही अमेजोन के पास 17 मिलियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बता दें, इन दोनों ही कंपनियों में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है कि इनको अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट सेल करने पड़ रहे हैं और इस वजह से यह दोनों ही कंपनियां घाटे में चल रही है। और अपना घाटा रिकवर करने के लिए इन दोनों ही कंपनियों ने अपने खुद के प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया है, जैसे कि फ्लिपकार्ट ने मार्क्यू, बिलियन, परफेक्ट होम जैसे खुद के प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किए हैं। वही अमेजोन ने अमेजोन बेसिक्स, अमेजोन इको, अमेजोन किंडल, अमेजोन फायर स्टिक जैसे खुद के प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया है। अमेजोन प्राइम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके सब्सक्रिप्शन पे आप अमेजोन प्राइम के वेबसाइट और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके मूवीज, म्यूजिक और वेब सीरीज देख सकते हो। और प्राइम सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स को अमेजोन कुछ एडवांटेजेस भी देता है, जैसे कि 1 डे डिलीवरी और अर्ली एक्सेस ऑन न्यू डील्स। अमेजोन के अमेजोन प्राइम को कॉम्पिटिशन देने के लिए फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट प्लस की शुरुआत की थी, जिसमें आपको कॉइन कलेक्ट करने होते हैं। और पिछले ही महीने में फ्लिपकार्ट ने अपना खुद का वीडियो सर्विस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जिसे आप फ्लिपकार्ट के ही ऐप में जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हो। दोस्तों, अगर इन दोनों ही कंपनीज के इम्पोर्टेंट पर्सन्स की बात करें तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, सचिन और बिनी बंसल फ्लिपकार्ट कंपनी के फाउंडर्स है और कल्याण कृष्णमूर्ति इस कंपनी के CEO है। इस कंपनी का 77% मार्केट शेयर अमेरिका के मल्टीनेशनल रिटेल कॉरपोरेशन वॉलमार्ट के पास है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका में ऑफलाइन का सबसे बड़ा रिटेल मार्केट वॉलमार्ट के पास है और वॉलमार्ट कंपनी को ऑनलाइन मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत करनी थी और इसीलिए वॉलमार्ट ने $16 बिलियन में अगस्त 2018 में फ्लिपकार्ट कंपनी को परचेज किया था।
वही अगर अमेजोन के इम्पोर्टेंट पर्सन की बात करें तो जेफ बेजोस अमेजोन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ है और वर्नर वोगल्स अमेजोन के सीटीओ है। अगर अमेजोन इंडिया की बात करें तो अमित अग्रवाल अमेजोन इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर है। मार्केट शेयर की बात करें तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार फ्लिपकार्ट का मिंत्रा और जबोंग का सेल मिला के इंडिया में 40% मार्केट शेयर रहा। वही अमेजोन के पास इंडिया का 31% मार्केट शेयर रहा। फ्लिपकार्ट पे औसतन हर रोज 5 लाख प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। वही अमेजोन पे इंडिया में 4.5 लाख प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। इंडिया में फ्लिपकार्ट सक्सेसफुल होने का कारण यह भी रहा कि फ्लिपकार्ट ने ही सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था, जिससे कस्टमर्स का वेबसाइट पे ट्रस्ट बढ़ चुका था और आज भी बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग में सीओडी ऑप्शन प्रीफर करते हैं। दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में फ्लिपकार्ट ने 3.8 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। वही अमेजोन ने इंडिया में 3.2 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। आंकड़ों से देखा जाए तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से पीछे चल रहा है, लेकिन अमेजोन की शुरुआत इंडिया में 2013 में हुई थी और उस हिसाब से अमेजोन का ग्रोथ रेट फ्लिपकार्ट से काफी अच्छा है। आपको बता दें, फ्लिपकार्ट वेबसाइट से आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन आपका डिलीवरी एड्रेस इंडिया का ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी फ्लिपकार्ट केवल इंडिया में ही ऑपरेशनल है, लेकिन आने वाले सालों में फ्लिपकार्ट दूसरे देशों में भी अवेलेबल हो जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो फ्लिपकार्ट के लिए 30,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। वही अमेजोन के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड 6,47,500 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अगर वेबसाइट रैंकिंग की बात करें तो alaska.com के मुताबिक flipkart.com की अलेस्का रैंक 126 है। वही amazon.in वेबसाइट की रैंकिंग 58 है और amazon.com वेबसाइट 12वें नंबर पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, alaska.com वेबसाइट की मदद से आप किसी भी वेबसाइट की ग्लोबल और कंट्री रैंक चेक कर सकते हो। जैसा कि आपको हमने बताया, अमेजोन कंपनी दुनिया के 17 देशों में ऑपरेट कर रही है और अमेजोन कंपनी ने हर एक कंट्री के लिए एक अलग डोमेन नेम असाइन किया है, जैसे कि चाइना के लिए amazon.cn, वही इंडिया के लिए amazon.in। बता दें, फ्लिपकार्ट 2019 में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। वही दूसरी तरफ अमेजोन वेबसाइट हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच से लेके जर्मन जैसी 10 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अमेजोन की वेबसाइट पे प्रोडक्ट कंपेयर करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वही फ्लिपकार्ट पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जैसे कि मोबाइल्स, लैपटॉप्स कंपेयर करके देख सकते हो, लेकिन एक सर्वे के अनुसार कहा जाता है कि अमेजोन का रिव्यू सिस्टम फ्लिपकार्ट से काफी अच्छा है। चलिए दोस्तों, आखिर में इन दोनों कंपनियों के डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इन दोनों ही कंपनियों का डिलीवरी प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। फ्लिपकार्ट डिलीवरी करने के लिए अपनी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी ईकार्ट लॉजिस्टिक का इस्तेमाल करती है। वही अमेजोन भी अपनी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी अमेजोन लॉजिस्टिक का इस्तेमाल करती है। अगर आप फ्लिपकार्ट के फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर और अमेजोन के अमेजोन प्राइम मेंबर हो तो आपको 1 और 2 डे डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप कौन सी वेबसाइट से शॉपिंग करना पसंद करते हो, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि अमेजोन कंपनी कब और किसने शुरू की थी। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।